सीट बेल्ट अपने अपने बांध लीजिए, टर्बुलेंस शुरू होने वाला है। ये वॉर ऑफ स्टार्स है, प्रो कबड्डी इतिहास के दो सबसे बड़े सितारों की जंग। एक तरफ रिकॉर्ड ब्रेकर प्रदीप नरवाल, तो दूसरी तरफ हाई फ्लायर पवन सहरावत। कौन मारेगा आज बाजी, ये मिलियन डॉलर का सवाल है। और योद्धास का जहां तक सवाल है, पॉइंट्स टेबल में आज पांचवें नंबर पर है अभी तक। और ये देखिए हाई फ्लायर पवन सहरावत इस मुकाबले के लिए बिल्कुल तैयार। पीकेएल 10 में टाइटंस को लगातार दो हार मिली है, पहली जीत की तलाश है। कुछ देर पहले यहां टॉस हुआ, जहां योद्धास ने टॉस जीता। तेलुगु टाइटंस रेड करेगी पहली रेड, क्या पवन आएंगे? प्रदीप नरवाल 1580 रेड पॉइंट्स, नंबर वन रेडर। तो वहीं दूसरी तरफ हाई फ्लायर पवन सहरावत 1008 रेड पॉइंट। सीजन 8 के बाद अब पवन और प्रदीप की ये जंग देखने को मिलेगी। संजय दा, बिल्कुल पवन सहरावत के पॉइंट्स प्रदीप नरवाल की तुलना में कम है, और उसकी वजह यह है कि उन्होंने बाद में प्रो कबड्डी लीग में एंट्री ली है। कुल मिलाकर 107 मैच खेले हैं। ये 108वां मैच और पहली ही रेड में यूपी पवन सहरावत पर सुमित बरस गए। श्रीनिवास रेड्डी का चेहरा उतर गया, टीम के कोच हैं, पवन से काफी उम्मीद है, डबल थाइस पर गए। नितेश और पवन की ये अपनी अलग जंग है। पवन रनिंग हैंड टच करने आते हैं, और ये देखिए रिकॉर्ड ब्रेकर प्रदीप नरवाल आते ही लॉबी में गए, और शुरुआत प्रदीप की अच्छी हुई, मतलब पूरा मुकाबला अच्छा जाने के संकेत है। अजीत पवार को उन्होंने बहुत ही आराम के साथ टच किया। अब श्रीनिवास रेड्डी करे तो करे क्या, कबश में किसको लेकर के आए, हमारा ज्ञान बढ़ाते थे। और यहाँ रजनीश पर जिम्मेदारी है, लेकिन नहीं, पवन को भी इंतजार करना होगा। रजनीश शिकार हुए, रजनीश का शिकार हो गया। पवन भी बाहर बैठेंगे, रजनीश भी उनका साथ देंगे। और कमाल कर रहे सुमित, जो बैकहोल्ड किया वो अद्भुत बैकहोल्ड था। यहाँ चार के डिफेंस में प्रदीप नरवाल डबल थाइस पर गए, रिकॉर्ड ब्रेकर बाहर जाएंगे, पवन अंदर आएंगे, नंबर 9 आउट, प्रदीप आउट, पवन इन। ये इस मुकाबले की कहानी। यहाँ देखिए किस तरीके से रिकॉर्ड ब्रेकर के सामने आए, दोनों थाइस पर हमला किया, ये बेहतरीन डिफेंसिव मूव। 5 के डिफेंस में सुरेंद्र गिल, बहुत अटैकिंग नहीं, बहुत आक्रामक नहीं, एक बहुत ही सूझबूझ से भरे रेडर हैं, लगातार पॉइंट्स पर रहते हैं, निरंतरता इनकी पहचान है। और इस बार क्या उनका पैरमेंट लाइन को क्रॉस किया, बिल्कुल गया संजय दा, बिल्कुल गया, बहुत लंबा दिखा, जितना लंबा उनका कद है उतना ही क्लियर सुरेंद्र गिल का पैर भी उस तरफ गया। ये देखिए यहाँ मैट अवेयरनेस, और अच्छी खबर ये है कि प्रदीप नरवाल मैट पर वापस आ गए। रॉबिन राइट से रेड करते हैं, और राइट कवर उनके सामने बिल्कुल प्रेशर सिचुएशन में मौजूद, और यहाँ पैर उखाड़ दिए, पैर उखाड़ दिए बैट से, वन पॉइंट के रेडर के। अगर आप पैरों के निचले हिस्से पर जाएंगे तो उसका निकलना मुश्किल हो जाएगा। बिल्कुल सही, लंबे कद के रेडर्स को अगर आप थाई से पकड़ेंगे तो उनका मूवमेंट वहीं रुक जाएगा। प्रदीप नरवाल सुपर टैकल सिचुएशन में 71% कामयाब होते हैं, बाकी रेट्स में उनका जो एवरेज है वो 57 के आसपास। यहां वक्त निकल रहा है, प्रदीप वापस जाएंगे, एंड लाइन से पीछे फेंक दिया, नंबर आउट ऑफ बाउंड्स, वन पॉइंट यूपी ऑफ दस। अपने आप पर नियंत्रण नहीं कर पाए, हमें प्रेशर में आ गए। यहां 2 का डिफरेंस, यानी कि सुपर टैकल, सुरेंद्र गिल को रोकना मुश्किल होगा। सुपर टैकल सिचुएशन में अगर आपके पास खालिस 2 डिफेंडर नहीं है तो आप गिल को नहीं रोक सकते, ऐसा लगता है। बहुत पेसी उनका फुटवर्क है, और देखा होगा कि क्या वो हमला करेंगे या वक्त निकाल करके वापस लौटेंगे। पवन सहरावत नीचे झुके थे डाइव करने के लिए, जिसकी जरूरत नहीं थी, वही हुआ जो नहीं होना था, जो आप कह रहे थे अच्छा होगा अगर डिफेंस में ना जाएं। यहां लेकिन सुपर टैकल में 2 पॉइंट भी मिलते हैं। यहां फिलहाल बात चल रही है कि क्या ऑल आउट तो नहीं, क्योंकि पवन को तो टच किया।
कबड्डी के मैट पर आप ऑल आउट होते हैं तो अच्छी खबर ये है कि ऑल इन आने का भी मौका मिलता है, लेकिन जिंदगी में घर बनाने का मौका सिर्फ एक बार मिलता है। बड़ी लीड हो गई है यहाँ पर। तेलुगु टाइटंस बिल्कुल आइडियल शुरुआत नहीं, लेकिन कबड्डी के खेल में यही खास बात है कि आपको मौके बार बार मिलते हैं और रजनीश ने वो मौका बनाया है इस वक्त। तेलुगु टाइटंस वापस ऑल इन, सात खिलाड़ी सुरेंद्र केल रेड पर आए हैं और विशाख देवाड़ी का क्या कहते हैं आप? देखिए बहुत अच्छा करके दिखा रही है यूपी की टीम। ये जो है सबसे बड़ा कंसर्न है कि डिफेंस में बार बार तेलुगु टाइटंस की टीम पॉइंट लीक कर रही है। और यहाँ पर सुपर रेड लग गई है सुरेंद्र गिल की तरफ से, दो टच पॉइंट और एक बोनस के साथ सुरेंद्र गिल एक बार फिर से सुपर सुरेंद्र बन चुके हैं। ये बोनस की अच्छी कोशिश, उसके बाद बहुत ही वीक गए एंकल होल्ड पे, कमबैक करा सकते हैं अपने टीम के लिए और साथ में आज रजनीश का साथ मिला है उन्हें। तेलुगु टाइटंस गलती करा रहे बार बार यूपी योद्धास के डिफेंस से और ये फैंस ये वॉर ऑफ स्टार देखने के लिए आए। पवन से रावत एक बार फिर यूपी योद्धास के खेमे में, नितेश उनके पुराने मित्र और पुराने प्रतिद्वंदी। देखिए ये जो रेट थी बहुत ही बढ़िया, बोनस का अटेम्प्ट था पहले, क्लियर बोनस हो चुका था और नितिन पवार बहुत ही एडवांस है, बहुत ही अच्छा एस्केप पवन का, ये फेस जो है उसमें बहुत घातक रहते हैं पवन। रेट में प्रदीप नरवाल रिकॉर्ड ब्रेक करके यहाँ पर एक डुबकी देखने को मिलेगी, दो दो चेन्स है सामने, क्या डुबकी नजर आने वाली है? नहीं, बोनस प्लस पॉइंट, गलती हुई रजनीश से और रजनीश को बाहर किया। वॉर ऑफ स्टार चल रहा है यहाँ। द न्यू आर्गुमेंट पवन सरावत और प्रदीप नरवाल दो दिग्गज रीडर्स, बोनस की कोशिश और बहुत ही एडवांस गए रजनीश, गलती कर बैठे और यहां पवन करा रहे गलती, नितेश बोनस प्लस एडवांस हर गए पवन पे, बोनस प्लस पॉइंट, बार बार पॉइंट्स देखने मिल रहे हमें दोनों साइड से। पवन सरावत की बोली हो चुकी है, छह पॉइंट्स ऑलरेडी उनके नाम और प्रदीप नरवाल को इतना एडवांस जाके मोहित राठी ने ये बैक होल्ड करने की जो कोशिश की है ये भारी पड़ी उन पर। वॉर ऑफ स्टार्स की गति बढ़ चुकी है, दोनों ही सितारे अब अपने पांचवें गियर पर है। पवन सरावत का इंजन हो चुका है गरम, गरम गरम बोनस पॉइंट तेलुगु टाइटंस, रनर आउट वन पॉइंट, लेकिन फिर भी बोनस नंबर 17 आउट, बिल्कुल बोनस लेने में कामयाब रहे, बहुत ज्यादा समय बिताया एक साइड में, मौका देखते ही नितिन पवार ने वो चेन लेके टैकल कंप्लीट किया। वापस प्रदीप नरवाल के पास, एक सितारा जाता है तो दूसरा सितारा चमकता है, लेकिन अब दोनों ही सितारे बुझ गए, दोनों ही सितारे अब वापस डगआउट पे। की टीम्स ने शायद ये अपने ऊपर ले लिया है कि भाई अगर तुम हमारे स्टार को बाहर करोगे तो हम तुम्हारे स्टार को बाहर करेंगे। प्रदीप नरवाल के अभाव में यूपी योद्धास के लिए बढ़िया गेम दिखाया है, जैसे कि एक बार फिर यहां पर कर रहे हैं। एक पॉइंट अंकित जागलान बाहर गए और प्रदीप नरवाल अंदर, बहुत अच्छी कोशिश थी, बोनस करने का कोशिश था और अंकित गलती कर बैठे। ये पास लगता हो चुका है, देखिए बढ़िया कमाल यहाँ रजनीश ने कर दिखाया, रजनीश ने अपने स्टार प्लेयर पवन से रावत को वापस जिंदा कर दिया। बिल्कुल आज अच्छा सपोर्ट मिल रहा है पवन को, अब तक के 7 पॉइंट्स उन्होंने कमा लिए हैं सुपर 10 से बेहद करीब, लेकिन सुपर 10 से बात नहीं बनेगी, जीत चाहिए तेलुगु टाइटंस को, एक जीत की तलाश, शायद इंतजार लंबा करना होगा। वन बॉल यूपी योद्धास नंबर 17 आउट रूस्टर। ठीक है,
करके बहुत डीप चले गए पवन, किक करने की कोशिश थी, पर ये कॉम्बिनेशन बहुत बढ़िया है नितिन और सुमित का। सुरेंद्र गिल स्टार रेडर के तौर पे चमक रहे हैं, 6 पॉइंट्स उसके नाम है, प्रदीप के नाम केवल 4। लो जी लो, मल्टी पॉइंट रेड है सुरेंद्र गिल के पास। सुरेंद्र गिली 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 छू, जादू चल रहा है सुरेंद्र गिल का यहां पर, 8 रेड पॉइंट सुरेंद्र गिल के नाम। हम वॉर ऑफ स्टार्स में पवन और प्रदीप की बात कर रहे हैं, और लेकिन यहां चल रहे हैं सुरेंद्र गिल। प्रदीप को सेकंड रेडर की कमी नहीं महसूस हो रही, और ये देखिए सुपर टैकल सिचुएशन में यहां सुरेंद्र गिल, और यहां कामयाबी मिली, रॉक सुपर टैकल, मगर की जकड़ से बचना नामुमकिन। तेलुगु टाइटंस नंबर 11 आउट। मिलाप जब्बारी ने यहां पर काम किया सुपर टैकल में, बढ़िया डिफेंस यहां पर, वापसी की शुरुआत हो गई है तेलुगु टाइटंस की। बीच से निकलना चाहते थे, चेन लेकर के आए थे, लेकिन उस चेन को तोड़ नहीं पाए। सुरेंद्र गिल आज पहली बार टैकल हुए हैं इस मुकाबले में, और यहां 4 पॉइंट्स की लीड, हाफ टाइम का वक्त समाप्त हुआ चाहता है। प्रदीप परवाल इस आखिरी रेट में 2-8 है, बिना पॉइंट के लौटेंगे नहीं, अन्यथा सेकंड हाफ में बाहर बैठना पड़ेगा प्रदीप को। यहां डिफेंस की गलती है, पूरी तरह से डिफेंस की गलती है, प्रदीप को पकड़ा जा सकता था, डिफेंस ने मल्टी पॉइंट नुकसान से बचने की कोशिश की, और इसके साथ ही पहला हाफ इस मुकाबले का समाप्त हुआ। यूपी उथाज इस वक्त 5 पॉइंट से लीड में है। तेलुगु टाइटंस इस मुकाबले में वापस लौट सकेंगे। दूसरे हाफ की शुरुआत हो रही है, और दूसरे हाफ की शुरुआत एक बार फिर लंबे कद के बेहतरीन रेडर सुरेंद्र गिल कर रहे हैं। ये मुकाबला दोनों तरफ से रेडर संभाल रहे हैं। सुरेंद्र गिल आज की रात 10 रेड अटेम्प्ट्स में 8 रेड पॉइंट, सिर्फ एक बार टैकल हुए सुरेंद्र गिल, और रिकॉर्ड ये सही रहेगा, एक ही बार रहेंगे। संजय दा मैं सिर्फ यही कहना चाहता हूँ, एडवांस टैकल क्यों, गलतियां वो भी तब जबकि आप ट्रेल कर रहे हैं आपके लिए बहुत भारी पड़ सकती है। यहां पवन सहरावत इस वक्त रेड करने पहुंचे, हाई फ्लायर इन एक्शन, और पवन सहरावत को कामयाबी मिली। सुमित गए टो टच करने, लेकिन पवन को मिली कामयाबी आज की रात, पवन का ये 8वां रेड पॉइंट। कुल मिलाकर 6 पॉइंट्स का फासला, पैरों पर जाने की कोशिश थी सुमित की, और सुमित की ये कोशिश काम नहीं आई। सुरेंद्र गिल 4 के डिफेंस पे शकलिंग कर रहे हैं अपने फुटबॉल के साथ, नीचे झुके खींच करके ले गए पवन सहरावत को। यूपी उदास नंबर 17 पवन सहरावत दूसरी बार आज डिफेंस करते हुए बाहर हुए, बल्कि तीसरी बार बाहर हुए। पवन सब करेंगे तो फिर बाकी टीम क्या करेगी। 2 मिनट निकले पहले हाफ के, दूसरे हाफ के, और यहां रजनीश ने एक बार फिर शिकार किया, रजनीश ने बाहर किया सुमित को, जो कि आज के जबरदस्त डिफेंडर है। ये देखिए किस तरह से साइड ऑन किक लगाई घुटने के ऊपर, और कामयाबी के साथ लौटे रजनीश, अच्छा सपोर्ट कर रहे हैं आज रजनीश। और यहां रिकॉर्ड ब्रेकर प्रदीप नरवाल का शिकार हुआ। अच्छी खबर यह है कि प्रदीप को टाइटंस बाहर देखने में कामयाब रहे। दोनों पैरों पर एक साथ गए, पहले पहला पैर समेटा, उसके बाद दूसरे पैर पर हाथ लगाया। डू और डाई में अब रेड पर इस समय आए हुए हैं रॉबिन चौधरी का शिकार पूरे डिफेंस ने एक साथ मिलकर किया। रजनीश का जाना परेशानियों का सबब हो सकता है टाइटंस के लिए। इस वक्त बहुत ज्यादा अंतर नहीं है, सिर्फ 5 पॉइंट से ही योद्धाज आगे हैं, लेकिन रजनीश बाहर चले गए, ये बहुत बड़ी दिक्कत है, और बहुत बहुत एडवांस गए प्रवेश। अगर जाना ही था तो पूरा डैश करते मोहित। बिल्कुल, और प्रवेश ने ज्यादा जल्दी कर दी अभिषेक को तो फॉलो बैक करने में, लेकिन अभिषेक प्रवेश की ज्यादा चालाकी समझ चुके थे। नितेश ने बिल्कुल हाई होल्ड किया और परफेक्ट टैकल किया और टीम का साथ मिला। और यहां क्या दूसरी बार सुपर टैकल में बाहर जाएंगे सुरेंद्र,
निखिल, मगर की चंगड़ से बचना शिरवाड़कर वहां मौजूद है। फैसले पर क्या पुनर्विचार करने वाले हैं? शायद कार्ड देंगे, वार्निंग देंगे, क्योंकि डिफेंस का रवैया तो पता ही बहुत सुखद नहीं था। ग्रीन कार्ड दिया है, बोले ऐसे कपड़े मत उतारो यार। सब्स्टिट्यूशन, तेलुगु टाइटंस प्लीज कम। दूसरी बार सुरेंद्र गिल को यहां पर सुपर टैकल किया टाइटंस के डिफेंस ने। 15 मिनट बाहर बिताए हैं प्रदीप करवाल ने। और यहां देखिए संजीवी एस एक बार फिर से रेड पर। बोनस ऑन था, क्या बॉडी, नहीं नहीं नहीं, योद्धा के डिफेंस ने कोई ऑप्शन नहीं छोड़ा कि शरीर का कोई भी हिस्सा बाहर जाए। पवन को और इंतजार करना पड़ेगा। नीचे से निकलने की कोशिश थी, मुट्ठी लगाने की कोशिश थी, लेकिन चेन मजबूत थी और उसके बाद भी सुरेंद्र सिंह एक बार फिर से सुपर टैकल सिचुएशन। आज की रात दो सुपर टैकल हुए, दोनों ही बार सुरेंद्र का टाइटंस ने सुपर टैकल में शिकार किया। सुरेंद्र इस बार कामयाबी मिली। वन पॉइंट यूपी योद्धाज। सुपर टेन तो पहले ही लगा चुके हैं सुरेंद्र गिल। एक और पॉइंट, क्या जबरदस्त प्रदर्शन से दो बार आउट हुए हैं। डाइव करने की कोशिश, मोहित सब्स्टिट्यूट होकर आए रेड करने। दिक्कत की बात यह है कि पवन सहरावत करीब करीब 16 मिनट से बाहर है और यहां तेलुगु टाइटंस हुई ऑल। अच्छी बात यह है कि कबड्डी के मैट पर आपको ऑल इन का मौका भी बार बार मिलता है और जिंदगी में घर बनाने का मौका सिर्फ एक बार मिलता है। पवन सहरावत ने अब तक 8 पॉइंट लिए हैं, 3 बार उन्हें बाहर जाना पड़ा है। आखिरी 10 मिनट पवन सहरावत के होते हैं और ये बहुत ही बढ़िया टच किया, वापस लौटाए, बाहर कर दिया नितेश को बिल्कुल। और ये हैंड रीच थी काफी अच्छी, हैंड टच था। पवन सहरावत आज की रात पवन के नाम 9 रेड पॉइंट बोनस इस खिलाड़ी के लिए ऑन है। और ये जो आखिरी हाफ है 31 से 40 मिनट वाला, इनका स्ट्रॉन्ग है, सिर्फ एक पॉइंट दूर है सुपर 10 से और कामयाबी मिली। क्या संजय दा लगता तो है एयरबॉर्न थे उस समय पूरी तरह से और लैंडिंग क्या सही हुई है ये देखना होगा। हाई फ्लायर यू ही थोड़ी कहलाते हैं। तेलुगु टाइटंस चैलेंज रेडर सेफ 1 पॉइंट और डिसीजन रेडर आउट प्लीज रिव्यू। ये देखिए किस तरह से बॉडी हवा में थी, हाथ बाहर से आया है, मिड लाइन को क्रॉस किया है, किसी भी तरह का कनेक्ट लॉबी से नहीं था। तो ऐसे में संजय दा मेरे को ये क्लियर आउट लग रहे हैं पवन सहरावत। रिव्यू अनसक्सेसफुल रेडर आउट 1 पॉइंट यूपी योद्धाज। कैप्टन योर यूज ओवर, नो मोर रिव्यूज। वापस जाना पड़ेगा बाहर। प्रदीप नरवाल भी बाहर हैं और ये 6 का डिफेंस इस समय सुरेंद्र गिल के लिए। इस मुकाबले में पवन सहरावत 16.5 मिनट के आसपास का वक्त बाहर और यहां सुरेंद्र गिल फिर से कामयाब। यूपी योद्धाज नंबर 33। कितनी बार जीतोगे दिल सुरेंद्र गिल, बेहतरीन प्रदर्शन। सुरेंद्र गिल का शुमार निश्चित तौर पर है, बहुत ही खामोशी के साथ पॉइंट्स लेकर के आते हैं और यहां एक और हमला। 1 पॉइंट यूपी योद्धाज नंबर 22 आउट। यूपी सुरेंद्र गिल 4 के आंकड़े में डू ऑर डाई रेड है। यहां सुरेंद्र गिल धर लिए गए हैं तेलुगु टाइटंस का डिफेंस। 1 पॉइंट आखिरकार गोला और चल गया डिफेंस का गोला। अजित पवार
इन्होंने रिवाइव किया है पवन को। सुरेंद्र गिल जो अच्छे फॉर्म में दिखाई दे रहे थे उसको डबल थाई और करके टैकल किया। और आज सुमित अलग फॉर्म में, वो एग्रेसिव इंटेंट लेके खेल रहे हैं। ये जो प्रफुल्ल के साथ हुआ है इसे धोबी पछाड़ कहते हैं, पटक दिया। कम बैक करा सकते हैं अपने टीम के लिए, 12 पॉइंट आगे हैं। और ये पवन एक पॉइंट लेने में कामयाब रहे, अनवांटेड टैकल था ये विजय मलिक का। और ये सुपर 10 कंप्लीट, पवन शेरावत ने टीम के लिए सुपर 10 कंप्लीट कर लेते हैं। हाँ, प्रदीप नरवाल पूरा मैच का इस्तेमाल कर रहे हैं, उसी कारण अंकित जो थे वो पहले सेल्फ फॉर पे, और उसके बाद 1 2 3 वॉर ऑफ स्टार में 1 2 3 यहाँ पर गिनती शुरू हुई है, गिनती शुरू हुई है। प्रदीप नरवाल ने बढ़िया यहाँ पर रेड डाली है, 3 points यूपी 10 नंबर 2 एक सेल्फ फॉर था इसलिए इसे सुपर रेड नहीं डिक्लेयर किया गया है। और आज रात यूपीओ 10 का डिफेंस, सभी डिफेंडर्स नितेश, सुमित, यूपीओ 10 नितिन अच्छा करके दिखा रहे हैं। एक और ऑल आउट के करीब तेलुगु टाइटंस, दर्ज कर दिया है। प्रदीप नरवाल 7 रेड पॉइंट के साथ क्या अपना सुपर 10 कंप्लीट करेंगे? डुबकी लगाने की कोशिश की लेकिन सतह पे ही रह गए तेलुगु टाइटंस। और इसी के साथ प्रदीप नरवाल बाहर, और हम चलते हैं सीधे आप संजय बैनर्जी और कुणाल सरूजा के पास। यहां तेलुगु टाइटंस और यूपी योद्धास की जंग में एक और बेहतरीन कामयाबी मिली यूपी योद्धास को। ओके, वन आउट। ये कितना एडवांस थाई होल्ड किया था गुरदीप ने। और दादा ये टीम का बिल्डअप देख लो आप, कितनी कॉन्फिडेंस लग रही है टीम। सिर्फ औपचारिकता बाकी इस मुकाबले में, 16 पॉइंट की बड़ी लीड योद्धास के पास, वो लीड थोड़ी सी कम जरूर हुई। तेलुगु टाइटंस 2 पॉइंट और कम हुए, लेकिन आज यूपी योद्धास ने बेहतर रणनीति के साथ प्रदर्शन किया। एक तरफ गुरदीप, चेन में सुरेंद्र, बहुत बढ़िया टैकल यहां पर। यूपी योद्धास नंबर 17 यूपी का डिफेंस अद्भुत प्रदर्शन किया उन्होंने, मिलाकर 16 टैकल पॉइंट, टाइटंस के 11 टैकल पॉइंट, और रेड में भी यूपी योद्धास बेहतर। तो मुकाबला यूपी योद्धास के नाम, 15 पॉइंट से यूपी योद्धास ने एक और मुकाबला जीता और पॉइंट्स टेबल में अपनी पोजीशन को और कंसोलिडेट कर दिया है।